इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। गर्दनी बाग में प्राथमिक शिक्षक नियोजन की मांग को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी हल्ला बोल रहे हैं और प्रदर्शनकारी सातवें चरण में प्राथमिक शिक्षक नियोजन की मांग कर रहे हैं। बिहार में सातवें चरण का नियोजन पहले जुलाई में शुरू होना था, लेकिन आप ये समझिए कि नवंबर तक शुरू हो चुका है और अभी सरकार कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, विरोध जताया जा रहा है, गर्दनी बाग में ये विरोध चल रहा है। हालांकि आपको ये भी बता दें, देखिए कई बार ये मांग उठ चुकी है, कई बार विरोध जताया जा चुका है, लेकिन सरकार फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर कुछ भी साफ स्थिति नहीं कर रही है। पटना से बड़ी खबर आपको बता दें, गर्दनी बाग में ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। दरअसल सातवें चरण का जो नियोजन होना था वो जुलाई में ही होना था, लेकिन अब जुलाई के बाद देखिए नवंबर का महीना भी शुरू हो चुका है, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं कहा गया है सरकार की तरफ से। और ये राजधानी पटना की गर्दनी बाग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्राथमिक शिक्षक नियोजन की मांग की जा रही है और लगातार देखिए सातवें चरण को लेकर ये नियोजन की मांग चल रही है। हालांकि देखिए पहले एनडीए की सरकार थी, तब भी ये मांग की जा रही थी, महागठबंधन की सरकार है, उसके बाद भी अभ्यर्थी ये लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया है। हम लोग सातवें चरण के अभ्यर्थी अभी गर्दनी बाग में 4 नवंबर से फिर से एक बार अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए आ चुके हैं, क्योंकि हम लोग 3 साल से कंटिन्यू प्रोटेस्ट कर रहे हैं और गवर्नमेंट केवल और केवल आश्वासन देने का काम कर रही है। तो मैं आज गर्दनी बाग की धरती से रन का आगाज करती हूँ और 1,20,000 अभ्यर्थियों की तरफ से ये कहना चाहती हूँ कि हो गया आगाज रन का, युद्ध अभी जारी है। इस बार माँ बाप के सपनों को पूरा करने की 100% तैयारी है। हाजीपुर